समझेंगे स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर की जो सिंगल डोर की फ्रिज होती है उसके सभी इलेक्ट्रिक भागों के बारे में, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक भाग है, चाहे वो कंप्रेसर की चेकिंग हो, चाहे कंप्रेसर की चेकिंग हो, चाहे पीसीबी की चेकिंग हो, चाहे थर्मोस्टेट की चेकिंग हो, डोर स्विच की चेकिंग हो, बल्ब की चेकिंग हो, रिले की चेकिंग हो, ओएलपी की चेकिंग हो, जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक भाग है सभी को हम बिल्कुल विस्तृत समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये जो फ्रिज है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर में फ्रिज, यानी इसके अंदर जो कंप्रेसर मोटर लगा है वो इन्वर्टर कंप्रेसर है। देखिए इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को पहले समझते हैं। इसके अंदर एक मोटर होता है, वो मोटर कम पावर लेता है या ज्यादा पावर लेता है, वो मोटर सिंगल फेस का है या थ्री फेस का है। तो जो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं ये थ्री फेस से काम करते हैं, लेकिन क्या इसमें तीन फेस लाइट दिया जाता है? ऐसा नहीं है। इसमें जो लाइट इन करवाया जाता है बोर्ड से वो ये सिंगल फेस होता है, यानी एक फेस होता है, लेकिन इसके अंदर आईपीएम लगी हुई एक पीसीबी प्रयोग किया जाता है। आईपीएम मतलब इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, यानी एक पीसीबी होती है, अभी पीसीबी को हम दिखाते हैं आपको। तो वो जो पीसीबी होती है वो थ्री फेस में सप्लाई को कन्वर्ट करके देती है, तो इसका कंप्रेसर मोटर चलता है। मतलब यह बिजली की बिल कम लेती है, यानी कम ऊर्जा खपत करती है और आउटपुट भी नॉर्मल बराबर प्रदान करती है, यानी कि ठंडक भी उतना ही मिलता है, यानी बिजली की बिल की बचत करती है, इसलिए इसे इन्वर्टर फ्रिज बोला जाता है। अब समझिए यहां पर लिखा है ना इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी जो कंप्रेसर मोटर है वो इन्वर्टर है, 10 ईयर वारंटी भी लिखा हुआ है। और ये जो फ्रिज है ग्रॉस वैल्यू इसकी 188 लीटर और स्टोरेज वैल्यू 178 लीटर, मतलब कि रैक वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो 178 लीटर सामान इसमें रखा जाएगा, यानी जो इसका स्टोरेज है। और ये जो फ्रिज है वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, यानी बिना स्टेबलाइजर के भी काम कर सकती है, मतलब 90 वोल्ट से लेकर के 310 वोल्ट तक लाइट अगर ऑटोमेटिक कम या ज्यादा आती है तो ये एडजस्ट उसे कर लेगी। चलिए अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम सामने ही लगे हुए हैं उनकी। सबसे पहले देखिए दरवाजे को, फ्रिज को खोलते हैं ना, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ये हमारे फ्रिज के रैक रैक दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो भाग होता है ना ये मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसे हम एवापोरेटर के नाम से जानते हैं, यानी कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसको फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं। ये होता है हमारा एवापोरेटर, यानी जो ठंडा करता है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो स्विच होती है ना, ये आप देख पा रहे होंगे सभी फ्रिजों में लगी हुई होती है, ये चाहे इन्वर्टर फ्रिज हो चाहे नॉन इन्वर्टर फ्रिज हो, काम होता है थर्मोस्टेट स्विच का। ये कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब फ्रिज अगर चल रही है तो चलते चलते अगर आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो यही वो स्विच होती है जो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट करेगी। यानी कि ये जो स्विच होती है ना सप्लाई को कट करती है तो कंप्रेसर मोटर को सप्लाई जाना ही बंद हो जाता है, यानी पीसीबी की सप्लाई कट हो जाती है, और जब सप्लाई कट हो जाती है तो मोटर हमारा ऑफ हो जाता है। यानी यह एक स्विच है, इस स्विच का नाम है थर्मोस्टेट स्विच, और इसको घुमा करके ऑफ के पोजीशन पे भी लाया जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं लिखा है ना ऑफ, और आगे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा है, यहां लिखा है कम ठंडक, इधर लिखा है अधिक ठंडक, यानी अगर इसको बढ़ाएंगे तो कूलिंग बढ़ेगी और अगर इसको घटाएंगे तो कूलिंग घटेगी। इतना तो हर कस्टमर भी जानता है कि हाँ इससे कूलिंग को बढ़ाया घटाया जाता है। अब बात करते हैं ये जो एवापोरेटर होता है, एवापोरेटर जब ये फ्रिज कार्य करती है ना तो उससे पानी टपकता है, तो एवापोरेटर से टपका हुआ पानी इसी ट्रे में आता है, जिसे हम चीलर ट्रे के नाम से जानते हैं, यानी अगर ये ट्रे कभी फूट जाए तो अलग से भी मिल जाता है मार्केट में, इसका नाम होता है चीलर ट्रे, यानी कि इसमें पानी रुकता है। अब पानी इसमें कहां से आता है? एवापोरेटर से, ठंडक की वजह से पानी टपकता है, और वो पानी जब इसमें इकट्ठा होता है तो यहां पे पीछे देख सकते हैं कि ये पाइप दिखाई दे रही होगी आपको, इस पाइप के जरिए पानी नीचे टपकता है, और जब यहां से पानी टपकता है ना तो वो जाता है इसमें, यहां पे दिखाइए नजदीक से, इसके अंदर होता है एक सुराख, और इसी सुराख में पूरा पानी चला जाता है, और इस पाइप का संपर्क पीछे लगे हुए कंप्रेसर मोटर से होता है, और कंप्रेसर मोटर के ऊपर एक ट्रे लगा होता है, उस ट्रे में पानी इकट्ठा होता है और कंप्रेसर को ठंडा करने में भी मदद मिलती है, और इधर फ्रिज में अंदर रखे सामान वगैरह हमारे खराब नहीं होते हैं। तो ये एक स्विच हो गई हमारी थर्मोस्टेट स्विच, जिसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, मतलब फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा कर रही है तो ये स्विच सप्लाई को कट करेगी। अब बात करते हैं एक स्विच यहां पर है, देखिए ये जो स्विच है आप देख सकते हैं, ये स्विच का नाम है डोर स्विच, यानी फ्रिज का दरवाजा खोलते ही फ्रिज के अंदर एक बल्ब लगा होता है, यहां पर बल्ब है, देखिए ये जो बल्ब है इसके ऊपर का ये ढक्कन है यहां पर निकला हुआ है, हम इसको ट्रे को नीचे रख देते हैं, ये जो ढक्कन है देखिए ये इस प्रकार से इसमें होता है, यहां पर लिखा है लैंप और लिखा है 10 वाट, यानी फ्रिज के अंदर इसमें जो बल्ब प्रयोग किया गया है वो 10 वाट का उजाला देने के लिए, और इसी बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यहां पर लगी है डोर स्विच, यानी एक स्विच लगी है, यही स्विच का काम होता है कि इस बल्ब को वो ऑन ऑफ करे।
अभी हम इसको भी कैसे चेक करते हैं, बल्ब को कैसे चेक करते हैं, स्विच को कैसे चेक करते हैं, वो भी समझने वाले। बाकी समझते हैं कि तीन इलेक्ट्रिक भाग हैं जो आगे लगे हुए हैं। पहला है थर्मोस्टेट स्विच, दूसरा है बल्ब और तीसरा है डोर स्विच। अब बात एक और करते हैं कि जो ये थर्मोस्टेट स्विच होती है ना, कूलिंग को कंट्रोल करती है। तो ये आखिर कैसे पता चलता है कि फ्रिज में ज्यादा ठंडक हो गई है? तो यहां से देखेंगे थोड़ा नीचे से। थर्मोस्टेट के पीछे से एक ये पूंछ होती है, ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, यह एवापोरेटर में टच है। और एवापोरेटर में टच है का मतलब खाली सटी हुई है, और थर्मोस्टेट की इस पूंछ में यह CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, और उस गैस की क्वालिटी होती है कि फ्रिज अगर ज्यादा ठंडा हुआ तो यह गैस और ज्यादा ठंडा हो जाती है, मतलब थोड़ा सा ठंडक पाके ज्यादा ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाके ज्यादा गर्म भी हो जाती है। तो यह होता है थर्मोस्टेट की पूंछ, ये केवल एवापोरेटर में सटा होता है। देखिए इस प्रकार से केवल टच होता है, किसी प्रकार का जोड़ या वेल्डिंग नहीं होता है, सिर्फ उसमें टच होता है, किसी प्रकार का कोई जोड़ वगैरह नहीं होता है। अब बात करते हैं ये टच होने के कारण कूलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब टच होता है तो फ्रिज एवापोरेटर ठंडा होता है, एवापोरेटर ठंडा होता है तो पूंछ ठंडी होती है, पूंछ ठंडी होती है तो इसके अंदर की SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ठंडी होती है, और जब वह गैस ठंडी होती है तो इस थर्मोस्टेट स्विच में बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, वह पत्ती स्प्रिंग होती है और सिकुड़ने लगती है, और जब सिकुड़ती है तो सप्लाई कट हो जाती है, और जब फिर से नॉर्मल होता है तो टेम्परेचर चालू हो जाता है। तो इस तरह से तीन इलेक्ट्रिक भाग हमारे आगे की साइड में है। हम चलते हैं पीछे की साइड में और यहां पर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करें ये जो फ्रिज है पीछे की साइड में, वैसे देख सकते हैं ये इसका कंडेंसर है, ये मैकेनिकल भाग के अंतर्गत आता है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई का मामला नहीं है। ये जो जाली है ना, इसे कंडेंसर के नाम से जानते हैं। ये इस फ्रिज का मेन लीड है और मेन सप्लाई है। आज हम पीसीबी वगैरह सब कुछ चेक करके आपको दिखाएंगे कैसे होता है। अब अगर इस फ्रिज में मान लीजिए आपको सप्लाई चेक करना, कोई फ्रिज आप बनाने गए और आपको कस्टमर ने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं फ्रिज में क्या हुआ है और आप शुरू कर रहे हैं बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है ना कि जो कस्टमर के घर में बोर्ड है, जो जिस बोर्ड से कस्टमर इस फ्रिज को चला रहा है, उस सबसे पहले देखिए हमने क्लैंप मीटर को ऑन कर लिया है वोल्टेज पे, और यहां से अब इसको हम चेक कर लेते हैं और कितना वोल्ट लाइट आ रहा है। तो देखिए हमारे यहां 332 वोल्ट इस समय लाइट आ रहा है। अब ये जो 332 वोल्ट लाइट आ रहा है ना, मतलब ये 5-pin सॉकेट सही है। अब हम इसके बाद इसको कंप्रेसर को ऑन, जैसे मान लीजिए ये नहीं चल रहा है, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंप्रेसर मोटर को खोलते हैं, यानी कि फ्रिज को खोलने का तरीका कैसे है? तो सबसे पहले देखिए यह एक ट्रे है, यही वो ट्रे है जो जिसमें एवापोरेटर का टपका हुआ पानी आकर के इकट्ठा होता है और कंप्रेसर को ठंडा करने में मदद मिलती है। इस ट्रे को खोलने के लिए दो स्क्रूप लगे होते हैं, देखिए एक स्क्रूप यहां पर है, एक स्क्रूप यहां पर है, इसको हमने खोल लिया, और दूसरा स्क्रूप देखिए यह दूसरी साइड में है। तो इन दोनों स्क्रूपों को हमें इसमें से खोलेंगे तो यह जो ट्रे है स्टोरेज पानी करता है, यह ट्रे हमारा बाहर निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार का ये ट्रे है, ये नीचे जो है ना कंप्रेसर के देखिए आकार का बना होता है कि कंप्रेसर पे ये बैठ जाए, और ये जो पूरा एरिया है इसमें पानी इसमें भराता है, यानी एवापोरेटर से टपका हुआ पानी कहां से आता है? देखिए यहीं पर वो पाइप है जहां एवापोरेटर की पानी टपकता है। अब ये हमारा हो गया कंप्रेसर मोटर। अब हमें क्या करना है, इसकी पीसीबी को भी ओपन कर लेना है, यानी यहां पर ये जो बॉक्स है ना, इसी बॉक्स के अंदर लगी है पीसीबी। ये वायर का कनेक्टर होता है, दो स्क्रूप यहां पर लगे होते हैं, इन स्क्रूप को जब खोलेंगे तो देखिए ये इन स्क्रूपों को जब खोलेंगे तो सबसे पहले तो ये लीड निकल जाएगा, और ये जो स्क्रूप है ना इन्हीं के सहारे से पीसीबी और ये मेन लीड दोनों इसी पे टच है, यानी दोनों इसी पे कनेक्ट है। इसको भी खोल लेंगे, और एक स्क्रूप हमारा यहां पर ऊपर टाइट है, इसको भी खोल लेंगे। इन दोनों स्क्रूपों को खोलने से हमारी जो पीसीबी है वो बाहर आ जाएगी। अब देखिए यहां पर पीसीबी आ जाएगी बाहर, और यहां पर देखिए पीसीबी जो है ना वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि बाहर दिखाई देने लगेगी, यह एक बॉक्स के अंदर पैक है। देखिए यहां पर पीसीबी बॉक्स के अंदर स्क्रूप लगे होते हैं दो, और इन दोनों स्क्रूप को जब हम खोलेंगे तब हमारी पीसीबी दिखना शुरू हो जाएगी, यानी इसी बॉक्स के अंदर पीसीबी लगी हुई है, और हमें यहीं से सारी चेकिंग हो जाएगी कि हमारा थर्मोस्टेट खराब है, ओएलपी खराब है कि क्या खराब है, वो सारी चेकिंग यहीं से हमारी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए एक स्क्रूप अभी खुला नहीं है, इसको भी हम ढीला कर लेते हैं, खोल लेते हैं, और इस स्क्रूप को निकालने के बाद ये पीसीबी दिखाई देने लगेगी, इसी के अंदर हमारी है पीसीबी। इसकी वायरिंग को भी समझेंगे हम अभी। तो देखिए ये हमारी पीसीबी है, और यही वो पीसीबी है जिसके जरिए इस कंप्रेसर मोटर को कंट्रोल किया जाता है। इस पीसीबी को निकालने के लिए देखिए ये जो दो रबड़ लगे हैं ना यहां पे लॉक पे लगे होते हैं, इनको हमें ऐसे बाहर निकालना होता है, और ये जो पीसीबी इसमें उठ रही है ना ये ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलती, ये पीछे ये जो प्लास्टिक के क्लिप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के क्लिप इसमें चार सुराख होते हैं, इन चारों सुराखों में निकली होती है। तो इनको क्या करना होता है, ऐसे दबा करके पीछे की साइड में ढकेलना होता है,
यानी धक्का देना होता है, तो ये पीसीबी निकल जाती है। अब ये पीसीबी निकल गई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप नए मिस्त्री है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली इसका फोटो खींच लीजिए और फोटो खींचने के बाद आप इसको दोबारा से वही लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने टोटल निकाल दिया है यानी फोटो वगैरह नहीं खींचा, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे एक जैक होता है अंदर, तो सबसे पहले अंदर की साइड में यह देखेंगे एक जैक होता है, इसको निकालेंगे, तो यह एक जंक्शन पॉइंट है, और इसको जब निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार से इसमें से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद ये जो पीसीबी है इसके अंदर भी कई सारी क्लिपें हैं, इन सभी क्लिपों को हम यहां से निकाल देते हैं और निकालने के बाद आपको समझाते हैं कि कौन सा पॉइंट किसका है। अब देखिए ये हमारी हो गई पीसीबी, पीसीबी के साथ जब हम इसकी वायरिंग करते हैं तो देखिए इसी पीसीबी को हमने यहां पे प्रिंट निकाल रखा है एक कागज पर, यानी ये वही पीसीबी है जो यहां पर हमने कागज पे प्रिंट निकाल रखा है, ताकि हम पूरी वायरिंग यहीं पे समझा सके पहले और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर दो पेन ले लिया है दो कलर का, और सप्लाई की बात करें तो ये जो पीसीबी होती है ना, इसमें सबसे पहले देखिए किसी भी चीज के जब हम वायरिंग करते हैं तो हमें न्यूट्रल और फेस का मामला होता है, तो सबसे पहले देखिए एक हमारे पास होना चाहिए न्यूट्रल और फेस, यानी ये मेन सप्लाई है, और मेन सप्लाई के बाद अगर वायरिंग की हम बात करें तो यहां पर देखेंगे लिखा हुआ दिख रहा होगा शायद N और एक साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा L, और यही बात इस पीसीबी पे हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये पीसीबी है और यहां पर दिख रहा है एक साइड में N और एक साइड में L, यहां पे ओरिजिनल पीसीबी है, ये उसी पीसीबी का फोटो है। और देखिए N का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी मेन सप्लाई सबसे पहले न्यूट्रल में जाएगी, और L का मतलब होता है फेस, यानी मेन सप्लाई सबसे पहले फेस में जाएगी, यानी ये जो कनेक्टर है ना ये मेन सप्लाई का है, यानी अगर इस कनेक्टर पे सप्लाई चेक किया जाएगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई यहां पर मिलनी चाहिए। अब देखिए अगर यहां तक 220 वोल्ट मिल रहा है, इसका ये मतलब होगा कि ये जो मेन लीड है, यानी यहां से यहां जो सप्लाई आई है, यानी हाई वाली जो मेन लीड है ना, ये वाली लीड, ये लीड सही है, इसका ये मतलब होगा। और देखिए जब यहां पे सप्लाई चेक हो जाए 220 वोल्ट यहां आना चाहिए। पहचान कैसे पता करें, ये जो कनेक्टर है 1 2 3 4 5 कनेक्टर इसमें है, पहली बात तो किसी कनेक्टर का किसी और में लगेगा नहीं, जो भी जैक इसके अंदर बने हुए हैं, यानी इसके अंदर जितने भी जैक बने हुए हैं अगर किसी और को किसी और में लगाएंगे ना तो वो लगेगा नहीं। और देखिए यहां पर कंप्रेसर के अंदर ये जो पॉइंट है ना, UVW का पॉइंट है, उसमें ये जो लगा इसको भी हम यहां से बाहर निकाल देते हैं और पूरे इस लीड को ही बाहर निकाल लेते हैं, ताकि आपको दिखाने में और आसानी हो। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पूरी लीड को, यहां पर देखिए पूरी लीड को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहां पर इसको अभी रख देते हैं फिलहाल। अब समझिए कि यहां पर क्या हुआ, ये न्यूट्रल गया, फेस गया, यानी पीसीबी में मिल गया। कैसे पता चला कि कौन सा सप्लाई मेन पावर का है, पहली पहचान कि ये कनेक्टर बड़ा साइज है, दूसरी बात कि जहां पे मेन सप्लाई का पावर होता है उसी के बगल में लगा होता है फ्यूज, यानी जहां पे सप्लाई होती है वहीं पे होता है फ्यूज, यानी फ्यूज जो लगा होता है किसी भी पीसीबी में मेन सप्लाई पे लगा होता है, तो यहां पर हो गया फ्यूज, यानी इससे हमें पता चला कि ये मेन सप्लाई वाला कनेक्टर है। अब इसके बाद अगर बात करें यहां से जो सप्लाई जाती है ना, और यहां पे वायरिंग में दिखाते हैं, यहां से जो सप्लाई जाती है, जैसे कि ये हमारा हो गया न्यूट्रल फेस का, जैसे हम इस तरह से रख करके बना रहे हैं, न्यूट्रल फेस का हो गया। अब इसके अलावा ये जो दूठे और पॉइंट होते हैं ना, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ये होते हैं थर्मोस्टेट के, नजदीक से दिखाइए, यहां पर लिखा भी होगा शायद थर्मोस्टेट, यहां पे लिखा होता है थर्मोस्टेट। पीसीबी के अंदर आपको दिखाते हैं, पीसीबी को इस तरह से पलटते हैं और ये दोनों पॉइंट है थर्मोस्टेट के, यहां पर देख सकते हैं थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ये लिखा है थर्मोस्टेट, यानी ये जो दोनों पॉइंट है ये थर्मोस्टेट के होते हैं। लेकिन क्या थर्मोस्टेट का दोनों पिने इसमें कनेक्ट किया जाता है, क्या थर्मोस्टेट को ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों पॉइंट थर्मोस्टेट के नहीं होते हैं, इसमें एक पॉइंट थर्मोस्टेट का होता है जो थर्मोस्टेट से होकर सप्लाई यहां आती है। मतलब समझिए जैसे ये वायरिंग है और यहां पर है न्यूट्रल की सप्लाई, तो न्यूट्रल डायरेक्ट आया यहां पर और न्यूट्रल आकर के गया है थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, यानी कि न्यूट्रल यहां से डायरेक्ट पीसीबी में आया और यहां से निकल करके गया इसके एक पॉइंट में, और जो फेस है ये फेस भी आएगा, लेकिन अगर इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो जो थर्मोस्टेट एक स्विच होती है ना, जानते हैं थर्मोस्टेट एक स्विच होती है, एक से इन दूसरे से आउट करवाना होता है, तो ये जो फेस की सप्लाई है अगर यहां से ले तो ले करके आएंगे थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से जब सप्लाई आउट होगी तब जाएगी इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 220 वोल्ट यहां भी मिलेगा और 220 वोल्ट यहां भी मिलेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट, यहां पे डायरेक्ट मिलेगा और यहां से थर्मोस्टेट से होके आएगा। मतलब अगर इस पीसीबी में हम चेक करने लगे तो डायरेक्ट चेक करेंगे तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, लेकिन अगर थर्मोस्टेट को जो आगे स्विच थी उसको घुमा के बंद
कर देंगे, उस समय अगर चेक करेंगे तो यहां पे 220 वोल्ट नहीं आएगा, केवल यहीं पर आएगा। मतलब समझते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमारी मेन लीड है और देखिए एक लीड ये अलग हो गई है ना, ये लीड भी इसके साथ कनेक्ट होती है ग्राउंड वाले वायर से। अभी फिलहाल ये अलग है तो इसको ऐसे अलग देखते हैं। देखिए इस तरह से है, सबसे पहले ये मेन लीड है और मेन लीड का जो सप्लाई है देख सकते हैं यहां पर एक ब्लैक कलर का वायर, एक रेड कलर का वायर है। तो आप जानते हैं कि जो ब्लैक है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, जो रेड है उसको फेस मानते हैं, बाकी कोई नहीं, छोड़िए इसको न्यूट्रल फेस। ये जैक है और जैक के बाद यहां पर दो जैक और हैं, और ये जो दोनों जैक है जो मेन लीड के साथ है ना, यही दोनों वो जैक है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी। लेकिन एक जैक में डायरेक्ट 220 वोल्ट आएगा और दूसरे जैक में थर्मोस्टेट से होके आएगा। अगर हम बाहर से ही चेक करना चाहें तो इसको कंटिन्यूटी मोड पर ऑन करके मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी मोड पर ऑन करते हैं, डायोड पे है, इसको कंटिन्यूटी पे ऑन करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि दोनों को टच करवाएंगे तो वीप की आवाज आएगी, अगर आ रही है मतलब ये सही है। तो इसको अगर हमें चेक करना है इस लीड को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक पर रखेंगे यहां पर और उसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहां पर कनेक्टर है, एक को रखते हैं और चेक करते हैं, देखिए वीप की आवाज आ रही है, यहां से देखिए वीप की आवाज एक पे आ रही है। और अब यहीं से हटा करके जब हम इसको दूसरे पर रखेंगे तो इसको दूसरी साइड में रखें, इसको दूसरी साइड पर रखने पर भी देखिए यहां पर वीप की आवाज आ रही है। मतलब एक पॉइंट का कनेक्ट एक से है, दूसरे का दूसरे से है, डायरेक्ट आवाज आ रही है। लेकिन जो दूसरी वाली लीड है ना, जब हम दूसरी वाली लीड को चेक करेंगे तो देखिए ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है इस पे रखने के बाद किसी भी पिन पर आवाज नहीं आ रही है। मतलब जिसमें आवाज अभी नहीं आ रही है इसका यह मतलब हुआ कि यह थर्मोस्टेट का आउटपुट है। मतलब जो मेन लीड है वहां से जिस पे आवाज आएगी वो 220 वोल्ट का है, यानी और जो दूसरा वाला बचा ये थर्मोस्टेट का आउटपुट है, यानी कि यही थर्मोस्टेट के आउटपुट वाले में लगेगा। तो यहां पर हमने दिखाया आपको कि एक मेन लीड हो गया और दूसरा हो गया है थर्मोस्टेट का, ये थर्मोस्टेट का। अच्छा, थर्मोस्टेट के अलावा और कौन से पॉइंट हैं? तो और पॉइंट इसमें है, देखिए यहां पर तीन पॉइंट है और ये जो तीनों पॉइंट है ना, यहां पर भी देखिए ये कनेक्टर दिख रहा है चित्र में और ये ओरिजिनल दिख रहा है। और यहां पर एक तार होता है जो ग्राउंड का होता है और दो जो बचे होते हैं ये ओएलपी के होते हैं। यहां पर देख सकते हैं छोटा सा ओएलपी लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हैं ये OLP लिखा हुआ है और एक पिन इसका ग्राउंड का होता है, दो टे OLP के होते हैं, मतलब एक से इन दूसरे से आउट होता है। तो अगर OLP सही रहेगी तो इन दोनों पे कंटिन्यूटी आएगी जब हम इसको लगाए रखेंगे तब। अब इसके अलावा हमें ये पता चल गया कि हमारी पावर सप्लाई का कनेक्टर है, ये हमारा थर्मोस्टेट वाला कनेक्टर है, ये हमारा OLP वाला कनेक्टर है, तो बचा एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ना है UVW यानी कंप्रेसर मोटर के तीनों पिनों का है। कंप्रेसर को हम चेक कर सकते हैं, ये कंप्रेसर मोटर के लिए जाएगा। और इसके अलावा एक जैक इसमें और है, ये जो जैक है ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है, यानी जब पीसीबी बनती है तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसके लिए होता है। मतलब ये हुआ, ये जो यूवीडब्ल्यू है जो कंप्रेसर मोटर होगा उसमें जो तीन पिन है, एक एक में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा, तीसरा तीसरे में जाएगा, यानी ये कंप्रेसर को जाएगा। और ये जो दोनों पॉइंट है ये OLP का है, तो अगर मान लीजिए ये OLP लगी है तो ये OLP में जाएंगे, एक से इन और दूसरे से आउट होगा। इसमें एक से इन होकर दूसरे से आउट होकर के OLP में सप्लाई आएगी और इसमें यहां से फेस होकर इन होकर के आउट होकर थर्मोस्टेट से सप्लाई आएगी और इसमें एक में न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा। तो ये हमारी पीसीबी का कंप्लीट हो गया। सबसे पहला न्यूट्रल फेस यहां पे है और ये जो हमारा था OLP का हो गया, ये हमारा थर्मोस्टेट का हो गया, ये हमारी प्रोग्रामिंग का हो गया और ये UVW यानी कंप्रेसर का हो गया। ये हमारी भी है, यहां पर देख सकते हैं ये हमारा मेन पावर सप्लाई फ्यूज के बगल में लगा हुआ है, ये हमारा थर्मोस्टेट का पॉइंट हो गया, ये हमारी ओएलपी का हो गया, ये दोनों पॉइंट और एक थे ग्राउंड का होता है, ये यूवीडब्ल्यू का हो गया और ये प्रोग्रामिंग का हो गया, ये हमारी पीसीबी है। इसके अंदर यहां पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। जब ये टूट गया तो हमने इसको पीछे के साइड में लगा दिया है, यानी आगे से टूट गया था हमने इसको पीछे लगा दिया था, वैसे ये लगा होता है आगे, देख सकते हैं ये चित्र में, ये कैपेसिटर और उसी के बगल में ये रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये रेक्टिफायर अभी फिलहाल हमने इसको पीछे लगा दिया है, यानी ये काम वही पिन वही है, उसी जगह पे कनेक्ट करवाया गया इसको। तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं, चेक करने के लिए क्या करें, सबसे पहले देखिए के बाद ये जो लीड बचता है, हमने बताया कि ये दोनों मेन लीड है, जैक अगर चेंज करेंगे बदलेंगे तो वैसे किसी को लगेगा नहीं, ये मेन है, बड़ा है, मोटा है, इसको लगा देते हैं मेन सप्लाई में और ये जो दूसरा वाला है इसको लगा देते हैं हम थर्मोस्टेट वाले में, यानी इस समय इन दो पॉइंटों पे सप्लाई आने लगेगी, यानी अगर यहां 220 वोल्ट चेक किया जाएगा तो आने लगेगी, क्योंकि ये कनेक्टर भी नीचे लगा हुआ, ये जो जैक है इसमें दो ठे जैक और है,
दो जैक और है ना, ये जो ब्लैक वाला जैक है ये है ओएलपी का, इसके अंदर ओएलपी देखिए यहां पर लगी हुई है, ये है ओएलपी। अब इसको अगर चेक करना है कि ओएलपी सही है कि नहीं सही है, तो इसी जैक के पास से हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ऑन करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट को इसको हम एक पर रखेंगे, यहां पर एक पॉइंट को एक पर रखेंगे और दूसरे को दूसरे पर रखेंगे। देखिए वीप की आवाज आ रही है, अगर ये आवाज आ रही है तो समझिए कि हमारा जो ओएलपी है वो सही है, यानी यहां पर ओएलपी से सप्लाई होके आ रही है, ये है ओएलपी इसका। अगर दोनों पिनों पर इसको चेक करेंगे तो भी इसमें से वीप की आवाज आएगी, यानी ये को एक साइड में दूसरे को दूसरी साइड में रखेंगे तो भी वीप की आवाज आएगी, मतलब ये ओएलपी हमारी सही है। अब उसके बाद यूवीडब्ल्यू को चेक करना है, तो यहां से यहां तक कंटिन्यूटी चेक कर लेना कि क्या यहां से यहां तक ये लाइट को दे रहा है एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर तक, मतलब यू को यू से, वी को वी से, डब्ल्यू को डब्ल्यू से, यानी तीनों पे चेक करेंगे तो एक से एक को बताएगा, कंटिन्यूटी केवल चेक करना है। इस प्रकार से इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब इस जैक को जो यूडब्ल्यू वाली जगह पे लगा देते हैं, देखिए इसका जैक यूवीडब्ल्यू का यहां है, ये किसी उल्टा में लगेगा नहीं, वहां लगा देते हैं, और ये जो हमारा ओएलपी वाला जैक है इसको हमें ओएलपी में लगाना होगा, और ओएलपी हमारी यहां पे है, देखिए इस तरह से ये ओएलपी का जैक है, लगा दिया ओएलपी में। अब ये हमारा कंप्रेसर का है यूवीडब्ल्यू वाला पॉइंट। एक चीज और बात करते हैं, ये पीसीबी को चेक करेंगे, उससे पहले हम कंप्रेसर को भी चेक कर लें कि क्या ये कंप्रेसर सही है। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए भी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ऑन करना है, यानी कंटिन्यूटी मोड पर जहां पे वीप की आवाज आती है वहीं पे इसको ऑन करना है, और मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी-बारी से चेक करेंगे। जैसे तो सबसे पहले ऊपर की दोनों पिनों को हम चेक करते हैं, और यहां पर देख सकते हैं डिस्प्ले में मान आ रहा है 20.9, ये 20.9 आ रहा है, और ये दोनों के ऊपर वाली पिनों को हम चेक कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए इसके एक पिन ऊपर और एक नीचे रख करके चेक करते हैं, और उसके बाद बाएं साइड वाले पे दिखाते हैं, यहां पे भी देखिए 20.9 आ रहा है, और उसके बाद तीसरी पिन पे रखते हैं और तीसरी को भी चेक करते हैं, और यहां पर भी देखेंगे कि 20.9 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि तीनों पिनों का मान बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो समझिए ये हम मान सकते हैं कि कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग कम से कम सही है। मतलब कोई और कमी हो सकता है, कंप्रेसर मोटर जाम हो, ये हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर बाइंडिंग है वो बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सही है। अच्छा, कंप्रेसर की बाइंडिंग को हमने टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद ये जो यूवीडब्ल्यू वाला पॉइंट है ना, अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या यहां पे ये सप्लाई दे रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें 100 वाट के बल्ब की जरूरत पड़ेगी। और देखिए हमने इस प्रकार से 100 वाट का बल्ब लिया है, और एक बल्ब से काम नहीं चलेगा, तीन बल्ब लेना पड़ेगा, और बल्ब का कनेक्शन हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि तीनों बल्बों के एक एक तार को एक ही में आपस में डायरेक्ट जोड़ देना। देखिए ये तीन बल्ब हैं, और तीनों का देखिए इसके एक बल्ब में से ब्लू कलर का तार है, यहां से भी ब्लैक है, यहां से भी ब्लैक है, तीनों बल्बों का एक एक तार हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है आपस में, और तीनों का ये एक एक तार बचा हुआ है। इन्हीं तीनों तारों को क्या करेंगे, एक एक को हम यूवीडब्ल्यू में इसको डाल देंगे, यानी किसी को यू में, किसी को वी में, किसी को डब्ल्यू में लगाए कोई बात नहीं है, बस एक को यू में, एक को वी में, एक को डब्ल्यू में लगा देना है। एक को हमने देखिए यहां पर लगा दिया, दूसरे को भी हम यहां लगा देते हैं, और जो तीसरा बचा उसको भी हम लगा देते हैं। यहां पर हमने लगा दिया तीनों को यूवीडब्ल्यू को, और इसका जो बोर्ड है इसमें हम पावर देंगे। पावर देते समय हम एक चीज आपको और बता दें, जैसे ही इसमें पावर दिया जाएगा, एक नॉर्मल सी चेकिंग ये भी है कि जैसे ही पावर देंगे इस पीसीबी के अंदर एक लाइट ब्लिंक करेगी, और जैसे अगर देखिए जैसे अभी हम पावर देके दिखाते हैं, और यहां पे लाइट देखिए, ये हमने पावर ले लिया है और बोर्ड में पावर दे रहे हैं, जैसे ही पावर देंगे इसके अंदर एक लाइट ब्लिंक करेगी। देखिएगा जैसे ही पावर देंगे इसके अंदर एक लाइट ब्लिंक करेगी, देखिएगा आपने देखा होगा अभी लाइट ब्लिंक की है, और जब हम इसको निकाल देंगे, पावर से हमने निकाल दिया, और निकालने के थोड़ी देर बाद यानी एक से दो मिनट के अंदर देखेंगे ना, फिर से इसके अंदर लाइट ब्लिंक करेगी, और अब की बार जो लाइट ब्लिंक करेगी वो दो बार करती है जल्दी जल्दी। मतलब अगर इतना भी हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो पीसीबी है वो सही है। मतलब पहली बार बोर्ड में लगाते ही एक बार ब्लिंक करेगी, और जब निकालेंगे तो ये दो बार ब्लिंक कर जाएगी। देखिए अभी कर दी, तो इस तरह से ये ब्लिंक करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो भी मान सकते हैं पीसीबी सही है। फिलहाल हम एक बार फिर से इसकी सप्लाई को लगा देते हैं, जैसे लगाएंगे देखिए लाइट ब्लिंक कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ी देर में इंतजार करेंगे, और थोड़ी देर में ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे, और कुछ समय के लिए जलेंगे, कुछ समय का मतलब 2-4-5 सेकंड जलेंगे, और उसके बाद फिर ये बंद हो जाएंगे। कभी-कभी ये हल्का सा लगातार भी जलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जल करके थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं। अब चलिए पीसीबी को हम यहां पे पलटते हैं, और पीसीबी में वोल्टेज चेक करके बताते हैं कि कैसे हम थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं, ओएलपी को चेक कर सकते हैं, और मेन लीड को भी यहीं से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पीसीबी को
हमने पलट दिया पीछे की साइड में और ले लेते हैं डिजिटल क्लैंप मीटर। 600 वोल्ट एसी पर इसको सबसे पहले ऑन कर लेना जहां से हम वोल्टेज चेक करेंगे, और ऑन करने के बाद देखिए हम इसको बगल में ही रख लेते हैं और वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि यहां पर कहां कहां पे 220 वोल्ट आएगा। तो क्या मतलब है इसका, मतलब सबसे पहले देखिए ये मेन पॉइंट है यानी मेन लीड का जंक्शन है। यहां पर देख सकते हैं ये जो दोनों पिन है न्यूट्रल फेस के और इसी के बगल में फ्यूज लगा होता है, यानी कि मेन सप्लाई की पहचान भी होती है कि जहां पे फ्यूज लगा है वही न्यूट्रल फेस है। अब ये जो दोनों पिन है इसको चेक करें, देखिए 228 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये हुआ ये सही है, यानी कि ये पता चला कि जो मेन लीड है वो सही है और मेन लीड से सप्लाई यहां तक आ रही है, यानी मेन लीड में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरे पॉइंट को चेक करें, ये पॉइंट है हमारा थर्मोस्टेट का। अगर यहां पर भी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थर्मोस्टेट भी इसका सही है, यानी जो पॉइंट थर्मोस्टेट से होता है वहां पर भी 226 वोल्ट देखिए आ रहा है, तो यहां पर भी 220 या 226 वोल्ट हमारा आना चाहिए। यहां आ रहा है मतलब मेन लीड सही है, यहां पे आ रहा है थर्मोस्टेट पे मतलब थर्मोस्टेट सही है। दो पॉइंट हमारे यहीं से चेक हो गए कि थर्मोस्टेट भी सही है और मेन लीड भी सही है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये मेन लीड का पॉइंट था हमारा कंफर्म हो गया और थर्मोस्टेट का पॉइंट था, दो पॉइंट हमारे कंफर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना, रेक्टिफायर के बीच में जो दोनों पिने हैं इन दोनों को चेक करेंगे, यहां पर भी 220 वोल्ट आएगा, 225 आ रहा है ना, तो यहां पर भी आ रहा मेन सप्लाई वाला वोल्टेज, और अगर यहां आ रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि ओएलपी भी सही है, यानी कि ओएलपी से होकर के रेक्टिफायर में सप्लाई आती है, तो इसका यह मतलब है ओएलपी भी सही है, थर्मोस्टेट भी सही है और हमने मेन लीड को भी चेक कर लिया, मेन लीड भी सही है, तीनों को हमने बारी बारी से यहीं से चेक कर लिया। अब देखिए बल्ब को हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बल्ब थोड़ी देर में जलेगा और ये जो जलेगा ना ये लगातार नहीं जलेगा, थोड़ी देर के लिए जलेगा और फिर बंद हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है पहले एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा फिर तीनों साथ में जलते रहेंगे, तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए जलेगा, मतलब ये पीसीबी सप्लाई देगी कंप्रेसर मोटर को, लेकिन अगर ये कंप्रेसर नहीं है तो ये मतलब ये हुआ कि ये देर तक नहीं चलेगा, यानी तुरंत बंद हो जाएगा, पीसीबी को पता चल जाएगा भाई हम जिसको सप्लाई दे रहे हैं ना वो कंप्रेसर नहीं है, कोई और है जो कंप्रेसर बन के बैठा हुआ है, वो बात पीसीबी को पता चल जाएगी, इसलिए पीसीबी सप्लाई देना बंद कर देगी। तो इस तरह से हम पीसीबी को चेक करेंगे। अब देखिए कंप्रेसर को हमने चेक कर लिया, कंप्रेसर में हमने क्या चेक किया, इसकी बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग सही है कि नहीं, कैसे चेक किया, तीनों पिनों को कंटिन्यूटी से चेक किया, तीनों पिनों पर जो नंबर आएगा जो रीडिंग आएगी वो बराबर आनी चाहिए, अगर बराबर आ रही है मतलब ये कंप्रेसर की बाइंडिंग सही है। तो कंप्रेसर में क्या केवल बाइंडिंग होता है, नहीं, कंप्रेसर के बॉडी अर्थ भी चेक कर सकते हैं। बॉडी अर्थ चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज का एक तार लेंगे और एक तार को इसकी बॉडी पे रखेंगे, दूसरे तार से तीनों पिनों को बारी बारी से चेक कर लेंगे, अगर बॉडी अर्थ होगा तो वहां से हमें बॉडी अर्थ पता चल जाएगा, वो लगभग 10 मिनट है। तो बल्ब को हम इंतजार करते हैं और आपको दिखाते हैं, बल्ब जैसे ही जलेगा दिखेगा कैसे जलता है, इस तरह से जलेगा, एक जलेगा फिर दूसरा जलेगा फिर तीसरा जलेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे बल्ब ऑन हो गए, तो इस प्रकार से हमारा बल्ब ऑन हो जाता है और जलने लगता है, और जल करके आपने देखा कि किस प्रकार से जल करके तुरंत बुझ गया, ये देर तक जलता नहीं, केवल कुछ सेकंडों के लिए जलता है और फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये कंफर्म हुआ ये जो पीसीबी है ये कंप्रेसर के लिए सप्लाई भेज रही है, और अगर फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर खराब है, और अगर ये सप्लाई नहीं भेज रही है मतलब पीसीबी खराब है। इस प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पीसीबी खराब है कि कंप्रेसर खराब है। अब हम इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं। देखिए ये क्या है, इसका ये तीन पिन होता है, ये UVW होता है, और इसको लगाने के लिए कैसे लगता है, ये इसमें कॉमन वाला पॉइंट है, मतलब UVW का एक पॉइंट नीचे होता है, यहां पर लगा देते हैं, और ये हमारी पीसीबी है, ये OLP है, OLP जो होता है वो इस कवर के अंदर होता है। तो आपने इस तरह से समझा कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं पीसीबी को, और जिस प्रकार से हमने निकाला अब उसी प्रकार से लगा करके इसको असेंबल कर देंगे, मतलब एक मेन लीड है, एक थर्मोस्टेट का पॉइंट है, एक OLP का पॉइंट है, और एक UVW का पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें हमेशा खाली रहता है जो कि होता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस प्रकार से हम सिंगल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज की पीसीबी को बिल्कुल बारीकी से टेस्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट को, कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं, थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं, यहीं से ओएलपी को चेक कर सकते हैं, बल्ब और डोर स्विच का अगर मामला है तो उसके लिए केवल आगे से चेक करना पड़ेगा, बाकी सभी चीजें यहीं पीछे से बैठे बैठे चेक हो जाती है, मेन लीड को चेक कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक भागों को चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो आप इस फ्रिज में और भी किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।